उज्जैन में लाखों की लॉटरी व बजाज पल्सर गाड़ी खुलने का लालच देकर ठगी करने वाले अजमेर जेल में बंद साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड को साइबर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर उज्जैन लेकर आई और उसके दो अन्य साथी फरार जिनकी तलाश जारी है। मामले का खुलासा करते हुए साइबर निरीक्षक नरेंद्र गोमे ने बताया कि उज्जैन निवासी रीना प्रजापत को आरोपी ने फोन करके बताया कि आपकी 2 लाख की लॉटरी व बजाज पल्सर गाड़ी इनाम में खुली है, आप 500 रुपये का रिचार्ज मेरे मोबाइल नंबर पर करवा दें। रीना ने रिचार्ज करवाया, उसके बाद हेड ब्रांच मुंबई से फ़ोन आया कि इनाम की राशि लेने से पहले 31,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया खाते में जमा कराओ। इस पर रीना ने रुपये भी जमा करा दिए मगर न गाड़ी मिली न रुपये मिले, जिसके बाद रीना ने साइबर पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। तथ्यों के आधार पर चंद्रबान सिंह पिता इंद्रपाल सिंह जानावार बिरला नगर ग्वालियर का नाम सामने आया जो अजमेर जेल में बंद था, जिसे प्रोटेक्शन वारंट पर उज्जैन लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने 2 अन्य साथी लाला व देवी के साथ 30 से अधिक ठगी की वारदातें करना कबूला है। उज्जैन से अजय निमाग रिपोर्ट। आरोपी पकड़ाया है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है इसका? रीना प्रजापत बापूनगर निवासी आगरा बोल रहा हूं। उसने हमारे यहाँ 2015 में शिकायत की थी कि मेरे पास फ़ोन करके मैसेज आया है कि आपने 2 लाख रुपए लॉटरी में एक पल्सर खुली है और 2 लाख रुपए खुले हैं आपको, तो उसके लिए पहले 500 रुपए का हमारा रिचार्ज कराओ। इसने रिचार्ज कराया, उसके बाद फ़ोन आया कि 31,000 हमारे खाते में डाल दिया, तो इन्होंने 31,000 खाते में डाल दिया। उसके बाद में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन भी बंद कर दिया। उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम पड़ा कि इसमें चंद्रभान पिता इंद्रपाल जनवार निवासी ग्वालियर का जिसके खाते में पैसे गए हैं, तो इसके जो हमने पता रखा थी तो पता चला कि ये हिस्ट्री सीटर है, ग्वालियर का हिस्ट्री सीटर है और अजमेर जेल वाले हैं, तो इसको अजमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ लेके आए और इसका पुलिस रिमांड लिया। बाकी इसके साथ में लाला और देवी यादव दो आरोपी और हैं जिनकी बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोगों को इस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया? इसने अभी तक करीबन 20 लाख रुपये की ठगी की है इस तरह से। ग्वालियर थानों में भी इसके अपराध बताए जा रहे हैं आसपास? इसके करीबन 30 से ज़्यादा अपराध हैं, ये हर तरह के अपराध है, मारपीट 307 हर तरह के अपराध है। कोई कॉल सेंटर वगैरह बना रखा है इन्होंने या फिर? नहीं, ये ग्वालियर टिकमगढ़ झांसी निवाड़ी ज़िले के आसपास के लोगों को ऐसे ही इस तरह के कॉल करके लॉटरी का लालच देके लॉटरी फ्रॉड करते हैं।